कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ही तो था आज से 5 महीने पहले मार्च में। हम मैं और मेरे सारे डॉक्टर दोस्त एक पिकनिक पे गए थे। हमें पता नहीं था कि COVID-19 इस तरह दुनिया में फैल जाएगा। इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमेशा की तरह इस बार भी हम अंताक्षरी खेलते थे और डॉक्टर रीना का वो गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। किसने जाना था कि डॉक्टर रीना का आखिरी पिकनिक थी हमारे साथ वो। किसने जाना था ना उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम, ना शुगर की प्रॉब्लम, फिर भी वो खुद COVID-19 के मरीजों का इलाज करती थी और खुद उसकी शिकार बन गई है और फिर भी हमें उंगली उठाई जाती है। अगर हमसे इलाज करते गए किसी पेशेंट की जान ली जाए तो उंगली हम पे उठाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं। इसी डॉक्टर को लोग कभी हैवान बनाते और कभी भगवान। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता जब आप COVID-19 का मरीजों का इलाज करते हो। मैंने कहा नहीं, डर किस बात का, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये लोग ये भी समझते हैं हम भी इंसान हैं, हम अपना घर परिवार छोड़कर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उंगली उठती है। अभी जो फोन आया था ना, मेरी माँ का था, मेरी चिंता कर रहे थे कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन मैं उन्हें यही कहती रही, माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना ठीक। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमें इस महामारी से डरना नहीं है, एकजुट होकर इसका सामना करना है। मैं उन डॉक्टर्स नर्सेस को सलाम करती हूँ जो अपना घर परिवार छोड़कर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।